नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी, सॉरी वो थोड़ा सा लेट हो गया मैं। बेटा तुम रिक्शे से आए हो? हाँ जी। बेटा अगर तुम रिक्शे से आए थे तो कम से कम उसके पैसे तो दे देते, कब से वो रिक्शे वाला तुम्हें देख ही जा रहा है। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वो तो मेरे पापा हैं। व्हाट? अरे नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप भी चलो ना हमारे साथ। नहीं बेटा, मुझे काम है। पता नहीं इन रिक्शे वालों को भी क्या ही काम होगा। अरे मम्मी प्लीज। क्या मम्मी? अच्छा चलो ये सब छोड़ो, कुछ खाते हैं अंदर चल के। चलें अब। वैसे तुम करते क्या हो? आंटी जी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, अभी सीख ही रहा हूँ। वैसे कितना कमा लेते हो, दिन का या पूरे महीने का? आंटी फिलहाल तो मैं अभी असिस्ट करता हूँ। अरे ठीक है, माना कि तुम असिस्ट कर रहे हो, पर कुछ तो तुम्हें मिलता होगा ना, फ्री में तो नहीं कर रहे होगे ना। खैर छोड़ो, तुम्हारा चेहरा देख के मुझे समझ में आ गया है। अच्छा ये बताओ तुम रहते कहाँ हो? जी नोएडा। नोएडा खुद का घर है? नहीं आंटी जी, वो अभी फिलहाल तो रेंट पे ही रह रहे हैं। कितना बड़ा घर है तुम्हारा? जी 2 BHK। बाय द वे तुम्हें ये पता है कि हम कहाँ रहते हैं? हम गुड़गांव की सबसे पोर सोसाइटी में रहते हैं। मम्मी इसे पता होना चाहिए कि इसके बीच में और हमारे बीच में कितना फर्क है। मैम आपका बिल। बिल हमें क्यों दे रहे हो? बिल उन्हें दो, बिल वो पे करेंगे। मम्मी हमने उसे लंच पे बुलाया ना, तो बिल भी हम ही पे करेंगे। मैं कर देती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, बिल ये पे करेगा। अगर ये अभी खाने का बिल नहीं पे कर सकता है तो पूरी जिंदगी तुम्हारे खर्चे कहां से उठाएगा? मम्मी यार आप ये सब बोल के क्या प्रूफ करना चाहते हो? यही कि ये तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करता है, और मैं ऐसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। और बेटा एक बात मेरी अच्छे तरीके से समझ ले कि शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, जो आज करी और कल टूट गई। मैं तुझे अभी भी बोल रही हूँ ये तेरी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, सो समझ के लियो। और वैसे भी लड़के से शादी करने से पहले उसका स्टेटस तो जान ले, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। अरे ऐसे थोड़ा नमो उठा के शादी कर लेगी तू? अरे अपने स्टेटस को देख कि तेरा क्या स्टेटस है। और तू, तुझसे अभी तक बिल पे नहीं हुआ? ला मैं कर दूं, मुझे पता तेरी औकात नहीं है बिल पे करने की। नहीं नहीं आंटी जी, वो मैंने बिल पे कर दिया है, UPI कर दिया है मैंने। थैंक यू सर। देखिए आंटी जी, मुझे पता है कि मैं अभी इतना नहीं कमा रहा, और ये बिल देखने के बाद मैंने बहुत बार सोचा कि बिल पे करूँ या नहीं करूँ। मैं आज की डेट में सिर्फ 15,000 रुपये कमाता हूँ, और ये 4,000 का बिल देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं साक्षी को डिज़र्व नहीं करता। लेकिन आप देखना, आने वाले 2-3 साल बाद ना मेरा इतना काम चल जाएगा कि जितना ये बिल आया ना उतना मैं 1 घंटे का कमाऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और हाँ आंटी जी, आज मैं खुद की गाड़ी में नहीं आया हूँ, आज मैं बस अपने पापा की रिक्शा में ही आया था। देखना आंटी जी, एक दिन ना मैं अपना वक्त ज़रूर चेंज करके दिखाऊंगा, बहुत जल्दी। और साक्षी, शायद तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अभी उस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारी डिमांड्स पूरी कर पाऊँ या तुम्हारे सपने पूरे कर सकूँ। आज मैं गरीब ज़रूर हूँ, पैसे नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मैं तुमसे एक वादा ज़रूर कर सकता हूँ, अगर तुमने मेरा साथ दिया ना तो मैं वो सब अचीव कर लूँगा और तुम्हारे भी सपने पूरे करूँगा। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। साक्षी, विल यू मैरी मी? यस। अच्छा मेरी हाँ की कोई जरूरत ही नहीं थी तो मुझे अपने साथ क्यों लेके आई थी यहाँ पर बेइज्जती करवाने के लिए? आंटी जी मेरी बात तो सुनिए। साक्षी आंटी जी तो बहुत गुस्सा हो गई शायद मेरी वजह से। तुम परेशान मत हो, वो मेरी माँ मान जाएंगी। साक्षी क्या तुम मेरा लाइफ टाइम साथ दोगी? हाँ तुषार, हमेशा। आई लव यू यार। आई लव यू टू।